हेलो एवरीवन आज हम करेंगे क्लास टेन साइंस का सैम्पल पेपर जैसे कि आप सभी को पता है थ्री आर्स का ये पेपर है मैक्सिमम मार्क्स एट्टी हैं और ट्वेंटी मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के हैं तो जो आपका पेपर है बेसिकली ए बी सी डी ई फाइव सेक्शन में ये डिवाइडेड हैं जिसमें ए सेक्शन में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो वन से लेके ट्वेंटी तक हैं और वन वन मार्क्स के हैं ऑप्शन बी में आपके सिक्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिसमें टू मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो और सी आपके सेक्शन में सेवन शॉर्ट आंसर हैं जो थ्री मार्क्स के हैं सेक्शन डी में आपके थ्री लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो फाइव फाइव मार्क्स के हैं और सेक्शन ई e आपका केस स्टडी बेस्ड है जिसमें थ्री क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे थ्री केस स्टडी एक फिजिक्स से एक केमिस्ट्री से और एक बायोलॉजी से तो चलिए बायोलॉजी पोर्शन हम सॉल्व करते हैं तो बायोलॉजी में आपके जो इस आ, उसमें एमसीक्यू जो हैं वो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर स्टार्ट हैं आपके एट से तो क्वेश्चन नंबर एट देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर एट में इन द गिवन फिगर द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स आर सोन इन अ पिरामिड एट विच ट्रॉपिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल तो आपको पता है ट्रॉपिक लेवल ए है वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल आगे को बढ़ता है तो देखो ये नैरो होता हुआ जा रहा है दैट मीन्स एनर्जी का जो अमाउंट है क्वान्टिटी है वो कम होते जाती है क्योंकि प्लांट के बाद सबसे पहले ज़्यादा होती है टी वन ट्रॉपिक लेवल है उसको जो खाने वाले हर्वी होते हैं उसका केवल टेन परसेंट जाती है देन उसका टेन परसेंट एंड देन उसका टेन परसेंट तो मैक्सिमम एनर्जी किसमें होगी टी वन में तो इसका आंसर आपका सी रहेगा टी वन लेवल तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन प्लांट्स इज नोन एज बहुत ही सिंपल इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है लाइट एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है क्वेश्चन नंबर टेन भी आपका बायो से है तो देखिए अ राउंड ग्रीन सीडेड प्लांट आर आर वाई वाई स्मॉल इस क्रॉस्ड विद रिंकल येलो सीडेड प्लांट जिसका आपका जेनेटिक कॉम्बिनेशन है स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई द सीड प्रोड्यूस्ड इन एफ वन जनरेशन आर एफ वन जनरेशन में क्या होंगी तो देखिए आर इस वाले से ए, ए वाला आर आया इससे ये वाला इस वाले से आपका स्मॉल आर और कैपिटल वाई तो कैपिटल आपके लेटर्स डोमिनेंट होते हैं तो ये आपका डोमिनेंट है जो आपको शो कर रहा है राउंड को उसी तरह से Y में आपका कैपिटल Y डोमिनेंट है जो आपका येलो है तो यानी कि F1 वन जनरेशन जो आपकी होगी राउंड येलो तो मीन ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा तो अब क्वेश्चन नंबर 11 है आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम तो देखो न्यूरॉन का आपने डायग्राम देखा होगा इस तरीके का होता है एंड देन एंड इस नर्व एंडिंग होती है तो यहाँ पर ये यह डेंड्राइट्स होते हैं जो इम्पल्स को पहले इनटेक करते हैं यहाँ पर सेल बॉडी होती है फिर उसकी मैं जाती देन एग्जॉन में एंड देन नर्व एंडिंग में तो इस तरीके से इसका पाथ होता है तो यहाँ पर आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है देखो सी ऑप्शन है आपका आपका डेंड्राइट्स देन आपका सेल बॉडी एक्जन एंड एक्जनल एंड आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अब आपका ट्वेल्थ क्वेश्चन है विच एमंग फॉलोइंग इज नॉट यहाँ पर नॉट देखना बहुत जरूरी है द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल येस ऑफकोर्स होता है सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्ट्रोन ये भी होता है डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा ये नहीं होता है ये इस किस में होता है ये आपके फीमेल्स में होता है जबकि टेस्टिस आपके मेल्स में होती हैं एंड सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन ये भी आपका फीमेल हॉर्मोन है दैट मीन्स आपका फोर्थ एंड जो थर्ड एंड फोर्थ है वो इनकरेक्ट हैं इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपके यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन दिए गए हैं देन आपके यहाँ पर एसरसन एंड रीजन्स हैं तो देखिए इसमें एटीन जो आपका है वो आपके बायो से है जिसमें है ट्रेट्स लाइक आई कलर एंड हाइट आर इनहेरिटेड ट्रेट्स ऑफकोर्स इनहेरिटेड ट्रेट्स हम किसे कहते हैं जो हमें अपने फोर फादर से मिले हुए होते हैं अपने माता पिता से मिलते हैं तो हमारा जो आई का कलर है जो हमारी हाइट है वो हमारी जनरेशन से ही हमें मिली है तो ऑफकोर्स ये तो जो एसरसन है वो बिल्कुल करेक्ट बात है अब रीजंस इसमें क्या कह रहा है इनहेरिटेड ट्रेड्स आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वंस ये भाई ये गलत बात है बिल्कुल भी इनहेरिटेड ट्रेड्स ही क्या होते हैं अनुवांशिक गुण ही लक्षण ही क्या होते हैं जो हमें हमारे फोरफादर से मिले होते हैं यानी कि जो रीज़न्स है वो बिल्कुल बात गलत है तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा एसरसन ए इज़ ट्रू बट बट रीज़न आर इज़ फॉल्स ठीक है। उसके बाद नाइनटीन क्वेश्चन देखिए एरोबिक एनिमल्स आर नॉट ट्रूली एरोबिक तो क्या ये ठीक है ऑफ कोर्स ठीक है क्योंकि देखो हम अगर मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दूं तो हम एरोबिक एनिमल्स हैं ठीक है जिसमें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा ग्लूकोज का ब्रोकन का डाउन हो रहा है बट कभी कभी जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं ऑक्सीजन की अपसेंस में ही ग्लूकोज का ब्रोकन डाउन हो जाता है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है तो हम ट्रूली एरोबिक नहीं है तो ये आपका जो एसरसन है बिल्कुल करेक्ट है अब देखिए रीजन क्या दिया है इसका रीज़न दिया है एरोबिकली दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड कोर्स ये बात भी ठीक है जैसे कि मैं अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड बना लेता है जिससे क्रैम्प आती है तो इसका मतलब ये असरसन बिल्कुल सही है और इसमें जो रीज़न दिया है वो भी करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक हो जाएगा बोथ असरसन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरसन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी उसके बाद चलिए Uh, हम सेक्शन बी की ओर बढ़ेंगे जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू जो है वो आपका बायो से है जिसमें लिखा है अ सर्टेन टिश्यू इन अ ग्रीन प्लांट सम हाउ गॉड ब्लॉक्ड एंड द लीव्स विल्टेड व्हाट वाज द टिश्यू गॉड गॉड ब्लॉक्ड यानी कि आपके ग्रीन प्लांट्स में कोई एक टिशू है जो ब्लॉक हो गया है जिससे जो लीव है वो गिर गई है टूट गई है तो कौन सा टिश्यू यहाँ पर ब्लॉक्ड हुआ होगा ठीक है तो इसका आपका करेक्ट आंसर है जाइलम देखो जाइलम वाटर कंडक्शन करता है जब जाइलम से वाटर कंडक्शन ही आपका बंद हो गया ब्लॉक हो गया तो लीव में आपका वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा जिससे वो सूख जाएगी और गिर जाएगी तो इसका करेक्ट आंसर हो गया जाइलम अब ट्वेंटी थ्री है राइट वन फंक्शन ईच ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड लीवर एंड स्लाइवरी ग्रैंड से क्या आपका स्लाइवा एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को आपका उसको डाइजेस्ट करता है लीवर से आपका बायो जूस निकलता है है जो आपके आ, फैट्स को आ, आ, मतलब उसको डाइजेस्ट करता है और पेन क्रिया से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है और एज वेल एज़ इंसुलिन भी सेक्रेट करता है जिससे ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल रहता है तो दीज आर दी फंक्शन ऑफ ग्लैंड लीवर एंड पेनक्रियाज अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वाई एंड हाउ डज वाटर एंटर कंटिन्यूसली इन द रूटम तो देखो क्या होता है रूट जायलम से ये आपका हेयर है रूट हेयर है सपोज ठीक है और यहाँ आपकी सॉयल है जिसमें आयंस भी प्रेजेंट होते हैं तो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑसमोसिस ये आयन्स आपके अंदर चले जाते हैं ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है और वाटर कंटिन्यूसली रूट जो रूट कैप है या फिर हम कह सकते हैं रूट हेयर है उसमें उसका फ्लो कंटिन्यूसली हो जाता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो वाटर एंटर करता है कंटीन्यूसली इन टू द रूट जाइलम तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस आयन्स ओके तो इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं रिगार्डिंग टू बायो वो है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन डिफाइन द टू मैथ मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सेक्सुअल है और ए सेक्शुअल है तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा क्योंकि सी सेक्शन में है ये जो आपका थ्री मार्क्स में है तो थ्री मार्क्स में लिखने के लिए आपको दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें टू वन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसमें कोई भी गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है गैमिट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ठीक है और कोई भी इसमें वेरिएशन नहीं पाया

ठीक है कि टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वेरिएशन यहाँ पर पाया जाता है और जा, इसकी ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल ये रिप्रोडक्शन होता है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी होंगी उसके बाद चलिए आप हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर चलते हैं और उससे पहले थर्टी थ्री क्वेश्चन भी है आपका थ्री मार्क्स में वॉट इज़ द फॉर्म ऑफ यू एंड सी एफ़ सी की फुल फॉर्म क्या होती है यूनियनसन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ये यूनेफ की आपकी फुल फॉर्म है जो आपकी एन सी आर टी बुक में गिवन भी है सी एफ सी उसके बाद नेक्स्ट बी है इसका ऑन ऑन वट बेसिस आर ऑर्गेनिज्म ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग फूड यानी कि जिस हिसाब से जो खाना लेते हैं उसके बेसिस पे हम उसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स पे डिवाइड करते तो जिस इसमें ज़्यादा आपको इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है और वन वन मार्क्स के ए बी सी हैं तो इतना इनफ है उसके बाद सी क्वेश्चन है राइट टू प्रॉब्लम्स दैट वुड बी अराइज इफ़ देयर इज़ नो डिकम्पोजर्स इन इको देखो डिकम्पोजर्स एज अ क्लीनर काम करते हैं हमारे इकोसिस्टम में तो जो हमारा फॉरेस्ट है वो कैसा रहेगा वो अनक्लीन रहेगा वहाँ पर बहुत गार्बेज के गार्बेज ढेर हो जाएंगे जो एनिमल्स की डेथ होगी जो भी उसको जो अदर एनिमल्स उसको कंज्यूम करेंगे उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स रह जाएगा वो वैसा ही रहेगा हर जगह स्टिंक यानी कि बदबू आएगी तो इस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पर अराइज हो सकती हैं ठीक है तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं उसके बाद थर्टी फाइव क्वेश्चन है जो आपका फाइव मार्क्स में है वट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस मैथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है इसका मतलब है जब न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन बाई रूट लीफ और स्टेम एंड बर्ड्स से जब फॉर्मेशन होगा तो उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं यहाँ पर आपका कोई भी फ्लावर इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि फ्लावर जो है वो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ठीक है और वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है आपका वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है तो ये तो बात हो गई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अब इसको हम डिस्क्राइब करें कि क्या क्या मैथड्स होते हैं तो टू टाइप्स के इसके मेथड होंगे नेचुरल एंड आपका आर्टिफिशियल तो नेचुरल में आपका जब नेचुरली होगा जब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन नेचुरली रूट स्टेम एंड लीप से जब न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा उसे हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहेंगे आर्टिफिशियली जब ह्यूमस का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा जैसे कटिंग हमने कोई रोज़ का प्लांट लिया वहाँ पर उसमें नोट्स इंटर नोट्स बर्ड्स देखी और वहाँ पर इसे कट कर दिया और इन फेवरेबल कंडीशन में जब हम उसको लगाएंगे तो उससे नया प्लांट हमारा बन जाएगा उसी तरह से आपका अनदर एग्जाम्पल है लेयरिंग लेयरिंग में लेमन आपका प्लांट है और आपको पता है लेमन एक श्रब है जिसमें जो टहनियाँ है ब्रांचेस है वो नीचे से ही आ जाती हैं और उसकी जो टहनी है उसको हम नीचे खींचते हुए उसको मिट्टी में हम दबा देते हैं जिसमें वहाँ पे रूट का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर उसको हम यहाँ से कट करते हैं यहाँ पे नया नया प्लांट जो है वो आपका बाय द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग बन जाता है लास्ट है आपका ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग में हम क्या लेते हैं टू अलग प्लांट्स लेते हैं एक का एब जैसे कट कर दिया एक दूसरा पार्ट हमने ये दो प्लांट कट कर दिए इसका ऊपर वाला पार्ट जिस जिसको हम सायन कहते हैं और दूसरे प्लांट का नीचे वाला पार्ट जिसे हम स्टॉक कहते हैं दोनों को बाद में हम एक साथ लगा देते हैं और इसको हम इंक्लाइन उसमें काटेंगे सीधे ऐसे नहीं तो इनको ऐड कर लेंगे और इसे टाइड एंड नॉट कर लेंगे कुछ टाइम बाद वहाँ पर जायलम फ्लोएम का जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो अटैच हो जाते हैं और यहाँ पर आपका नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है इसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग तो इतना आपको यहाँ पर डिस्कस करना होगा उसके बाद और करके क्वेश्चंस है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड लेबल द फॉलोइंग आपको डायग्राम बनाना है फिर लेबल करना है पार्ट विच स्टार्च डाइजेशन स्टार्च तो स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है स्लाइवरी ग्लैंड से जो स्लाइवा निकलता है जिसमें स्लाइवरी एमाइलिस नाम का एंजाइम होता है जो स्टार्च को ग्लूको पार्शली ग्लूकोज में चेंज कर देता है कंप्लीट नहीं करेगा पार्शली करेगा उसके बाद क्योंकि स्टार्ट यहाँ पर लिखा है ना तो स्टार्ट में आंसर क्या हो जाएगा आपका माउथ उसके बाद नाउ सेकेंड क्वेश्चन है आपका पार्ट इन विच बायोल जूस स्टोर तो लीवर से आपका बायल जूस सीक्रेट होता है और गोल ब्लडर में वो आपका टेम्प्रेरी स्टोर होगा जो लीवर के ही जस्ट नीचे होगा यहाँ पर ये दि, दिस इज़ गोल ब्लडर तो टू मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे थर्ड क्वेश्चन है पार्ट इन विच न्यूट्रिंस आर एब्जॉर्ब तो न्यूट्रिंस कहाँ एब्जॉर्ब होंगे ऑफकोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन में अब फोर्थ है पार्ट इन विच वाटर इज एब्जॉर्ब तो वाटर एब्जॉर्ब कहाँ होता है लार्ज इंटेस्टाइन में ठीक है तो ये आपके फोर मार्क्स यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगे और बी इसका क्वेश्चन है मेंशन द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक स्टमक में आपका जो पेप्टी जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसमें आपके पेप्सिन और आपका म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें होते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहली बात तो मीडियम को एसिडिक बनाएगा प्लस जो भी जर्म्स हमारे खाने के साथ चले जाते हैं उनको वो किल करने का काम करता है तो ये रोल हो गया अब है व्हाट फंक्शन इज सर्व बाय द गैस्ट्रिक स्पिक्टर एंड एनल स्पिक्चर तो इसका वर्क क्या होता है देखो गैस्ट्रिक स्पचर का काम होता है कि जब आपका खाना स्टमक में है ठीक है यहाँ पर जैसे आपका स्टमक है ये खाना तो जब तक आपका खाना डाइजेस्ट ना हो जाए तो यहाँ पे आपका ये स्पिंक्चर इस खाने को नीचे नहीं जाने देगा तो ठीक है इसको रिलीज़ नहीं करेगा स्टमक से जब तक खाना आपका यहाँ पर जितना स्टमक का काम होता है वो पूरा ना हो जाए उसी तरह से एनल स्पिंक्चर क्या करता है कि आपका जब तक आपका वाटर और रिओब्ज़ॉर्ब नहीं हो जाता तो एनल स्पिंक्चर उस वेस्ट जो फूड है उसको बाहर नहीं निकलने देता तो ये वर्क हो गया आपके एनल स्पिंक्चर के और आपके गैस्ट्रिक स्पिंक्चर के चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब सेक्शन ई है आपका जो केस स्टडी बेस्ड है तो केस स्टडी बेस्ड में आप देखेंगे कि आपकी ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है और तो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट आपका बायो से रिलेटेड है तो बायो में आपका केस स्टडी जिसमें ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताया गया है और सारी प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है तो आपको आराम से इसको अच्छे से डिटेल में पहले पढ़ लेना है फाइव मिनट्स में फाइव मिनट लेकर के इसको आराम से आप पढ़ोगे देन आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ोगे ठीक है uh, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ नर्वस सिस्टम ये तो आपको अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी आ जाएगा तो क्या होता है वो ह्यूमन ब्रेन ब्रेन आपका सेंट्रल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम होता है वट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन तो ह्यूमन ब्रेन के पहली बात तो तीन पार्ट होते हैं सेरिब्रम सेलिबेलम एंड आपका मेड्यूला तो सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम ही होता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेरिब्रम उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड uh, है व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ ब्रेन तो ब्रेन का क्या फंक्शन होता है तो so, हमारी बॉडी के जो भी वर्क हो रहे हैं उन सब का कंट्रोल जो होता है वो ब्रेन में होता है और ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें थिंकिंग करने का काम करता है जो भी हम देखते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है लर्न करने का काम जो जितनी भी या फिर जो भी हम चीज़ें सीखते हैं सेलिबेलम जैसे हमें बैल हमारे जो पॉस्चर है उसको मेनटेन करने का काम करता है रिफ्लैक्स एक्शन्स होते हैं तो बहुत सारे काम जो भी हैं वो ब्रेन के द्वारा ही होते हैं और आपका फोर्थ क्वेश्चन है वॉट इज द ब्रांच विच स्टडी द एनाटॉमी ऑफ ब्रेन उस ब्रांच को क्या कहते हैं जहाँ पर एनाटॉमी ऑफ ब्रेन की स्टडी की जाती है तो यहाँ पर आपका आंसर है न्यूरो अनाटोमी ठीक है एनाटमी द स्टडी ऑफ एनाटमी ऑफ अ ब्रेन इज़ कॉल्ड न्यूरो अटा एनाटमी ओके तो ये आपका सैम्पल पेपर था इसके बाद और भी हम सैम्पल पेपर्स करेंगे तो आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिली हो बायो का पेपर इस सैंपल पेपर में काफ़ी ठीक ठाक था जिसकी जिसने अच्छे से तैयारी करी होगी वो आराम से सॉल्व कर लेगा तो नेक्स्ट पेपर में हम मिलेंगे तब तक ले स्टे ट्यून स्टे हेल्दी बाय